हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक माई फैमिली। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग YouTube में नया नया काम करना चाहते हैं या फिर नए नए YouTube में चैनल बनाना चाहते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि अगर आप YouTube में नए हो तो आपको पहले पहले महंगा कंप्यूटर, लैपटॉप और कैमरा खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। आपके पास जो स्मार्टफोन है उसी से ही आप अच्छे वीडियोस बना सकते हो, आप YouTube में काम कर सकते हो। और इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको मोबाइल फ्रेंडली कौन सी ऐप रखना ज़रूरी है YouTube में काम करने के लिए। तो अगर नए हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना अगली वीडियो की अपडेट पाने के लिए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको YouTube चैनल चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन होना बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ कि आपकी जो मोबाइल है इसमें कम से कम 4 से 6 GB रैम और कम से कम 64 GB रोम होना बहुत ज़रूरी होता है। कैमरे के बारे में बात करें तो आप कोशिश करें कि वीडियो आप फ्रंट कैमरे की वजह से बैक कैमरे से आप शूट करें, क्योंकि हर जो मोबाइल होता है उसके फ्रंट के बजाय बैक कैमरा जो होता है वो बहुत अच्छा वीडियो क्वालिटी देती है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर मोबाइल फ्रेंडली ऐप के बारे में बात करें जो आपको यूट्यूब चलाने के लिए ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ऐप है वो है YT Studio। YT Studio की मदद से आप आपकी जो चैनल है उसमें बहुत अच्छी तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। और अगर कैमरा ऐप के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो ओपन कैमरा ऐप यूज़ करते हैं, आप भी उसे यूज़ कर सकते हैं। और वीडियो को एडिटिंग के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे आप पावर डायरेक्टर या फिर काइनमास्टर यूज़ कर सकते हैं। थंबनेल के बारे में बात करें तो आप कैनवा या फिर आप पिक्सल लैब को यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया कि आपकी जो मोबाइल है वो 4 से 6 GB रैम और कम से कम 64 GB रोम होना बहुत ज़रूरी है। वो मैंने दोस्तों इसीलिए बताया क्योंकि आप जो वीडियो बनाओगे और जब उसको एडिट करने जाओगे तब आपके मोबाइल पे अगर अच्छा स्पेस होगा तो बहुत अच्छी तरीके से आप काम कर पाओगे। तो दोस्तों, जो लोग पुराने हैं उन लोगों को इनके बारे में पता है, लेकिन जो लोग नए YouTube में काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत टफ है, तो इन सब चीज़ों के बारे में जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अगले वीडियोज़ में हर एक ऐप्स के बारे में आपको बताता रहूँगा और ज़रूर मैं आपको सिखा दूँगा अगर आप कॉमेंट करोगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर देना, और आपके मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।